हेलो गाइस, सो DLW इंडियन रेलवेज एप्लीकेशन फॉर्म में कई सारे लोगों को क्वेश्चंस है, तो उसके लिए थोड़ा हम सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें गूगल में DLW लिखना है, जिससे उसकी वन ऑफिशियल वेबसाइट हमें दिखेगी, उसे हमें ओपन करना है। ओपन होते ही हमें नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे यहाँ पर हमें दिख रहा है 42 बैच एक्ट अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म, उस पर हमें क्लिक करना है। और अगर अभी तक आपने यहाँ पर अब साइन इन नहीं हुए तो सिर्फ हमें रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करना है। तो हमें इस प्रकार से पूरा फॉर्म हमें दिखने लगेगा और हमें उसे फिलअप कर देना है। और अगर आपको पता नहीं है कि आपकी एज है वो एलिजिबल है कि नहीं, तो हमें सिर्फ यहाँ पर अपनी एज को टाइप करना है और ये रेड बटन है जहाँ पर लिखा है चेक एज एलिजिबिलिटी, तो आप एलिजिबल है कि नहीं ये फॉर्म के लिए, तो वो आप जान सकते हैं। क्योंकि ओपन SC ST और OBC के लिए जो एज जो वही मर्यादा है वो डिफरेंट है, तो आप आसानी से ये थोड़ा ऊपर का फॉर्म फिल करोगे तो हमें पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर हमें मेल ID नाखना है, कंफर्म मेल ID, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क या आपके चेहरे पर कोई मार्क्स है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, पहचान चिन्ह, यहाँ पर राष्ट्रीयता नेशनलिटी है। फिर जो यहाँ तबके की बात है कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अनुक्रमणक यानी कि एनरोलमेंट नंबर। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो यहाँ पर मैंने ओपन करके ही रखा है कोरा में, जहाँ पर आप आसानी से देख पाओगे। जो मैंने यहाँ पर फ़ोटो में देखा है कि सब लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में जो एनरोलमेंट नंबर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जो अनुक्रमणक नंबर जो यहाँ पर लिखा है, जो मैं यहाँ पॉइंट कर्सर आपको दिखा रहा हूँ, उसे एक्चुअली में एनरोलमेंट नंबर कहा जाता है, न कि इस जो यहाँ पर सीरियल नंबर इसे क्रमांक जो जिसे कहते हैं 250 250, उसे सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर कहा जाता है। एनरोलमेंट नंबर तो ये है अनुक्रमणक नंबर या रोल नंबर जो हमें इस फॉर्म में फिलअप करना है। ये CBSE बोर्ड वालों के लिए मैंने कहा है। यहाँ पर हमें काइंडली सिलेक्ट करना है आपका बोर्ड जिसमें आप पढ़े हो, यहाँ पर ईयर ऑफ द पासिंग, आप पास कब हुए, फिर एनरोलमेंट नंबर, या अगर कोई और है जैसे कि 10th एग्ज़ाम बोर्ड का एक एग्ज़ाम्पल ले ले तो यहाँ पर सीट नंबर है, तो काइंडली हमें यह सीट नंबर यहाँ पर पुट करना है, इनपुट देना है, ना कि कोई सर्टिफिकेट नंबर जो कि एक लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर लिखा जाता है, वो नहीं, संभल कर ये आप एंटर करना है। बस ये यहाँ पर एंटर करने के लिए जो इम्पोर्टेंस है इसका। एंड अगर आप OBC में हो तो फिलहाल तो यस कम्युनिटी, यस यहाँ पर OBC, और यहाँ पर आपको डेट डालनी है कि आप जहाँ पर जो ईयर होगा वो क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का वो 2018 ही है, तो आपके पास ये भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप DLW का फॉर्म आसानी से आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और